असंतुष्टों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आम आदमी पार्टी ने संसदीय दल के नेता पद से धर्मवीर गांधी को हटा दिया है, जिन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकासित किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी जगह अरविंद केजरीवाल के वफादार भगवंत मान को दी गई है। ये निर्णय भूषण यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को देर रात पार्टी से निकाले जाने के कुछ घंटे बाद आया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से परनीत कौर को बुरी तरह हराने वाले गांधी, भूषण और यादव को पार्टी के शीर्ष पदों से हटाए जाने के तरीके को लेकर पार्टी नेतृत्व के घोर आलोचक थे। वे यहां तक के 28 मार्च को अपना विरोध व्यक्त करते हुए आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक से भी बाहर चले गए थे और बागी खेमे द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित स्वराज संवाद में अपना संदेश भेजा था। बहुत बहुत मुबारक, वो मेरे दोस्त हैं, दैट्स गुड। तो मेरे लिए तो नेता होना ना होना को इसको मायने नहीं रखता। हम यहाँ नेतागिरी करने आए ही नहीं थे। मैं तो डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, 40 साल सेवा छोड़कर डॉक्टरी की, देश बदलने आया था, देश बदलने आया हूँ, व्यवस्था बदलने आया हूँ। तो एक ऐसे व्यक्ति से जो लगातार डेमोक्रेसी के प्रति प्रतिबद्ध है, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, वो अपनी पार्टी में लोकतंत्र का हनन होते देखे, ये तो कोई सोचे ही ना। मेरे बारे में तो कम से सोचे ही ना कि मैं चुप रह जाऊं और मैं बोलूं ना, ये मेरे खून में ही नहीं है। अगर किसी को ये लगता है ना कि गांधी को ये ऐसे ये चुप कर जाएगा, तो ये मेरे खून में नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।